वेलकम बैक इन माई क्लास बेटा। आज मैं आपके साथ अकाउंटेंसी क्लास 12 चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स का पार्ट 5 डिस्कस करने जा रही हूँ। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपको जो भी मैं इस वीडियो में समझाऊंगी वो आपको समझ में आ जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। बेटा आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कब बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं प्रिपेयर आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसके बाद हम क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सेपरेट कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर इज मेंटेन। हम बेटा पार्टनरशिप फर्म में हर पार्टनर का सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। जैसे सोल प्रोप्रिएटरशिप में हम सिर्फ एक सिंगल कैपिटल अकाउंट बनाते थे क्योंकि वहाँ पे एक सिंगल ओनर होता था, बट यहाँ पे हम वी प्रिपेयर सेपरेट कैपिटल अकाउंट फॉर ईच पार्टनर। ओके, तो इसका फॉर्मेट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या फॉर्मेट होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऊपर आ जाएगा मेन हेडिंग डेबिट क्रेडिट, इधर पर्टिकुलर्स एक्स वाई मैंने अज्यूम कर लिए हैं, दो पार्टनर हैं। ओके, तो बेटा जितने बच्चे ना अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में एग्जाम में, कोई ना कोई एक सिंगल एंट्री जरूर ऐसी आ जाती है जिससे कि बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई ये किधर जाना चाहिए, पार्टनर्स के डेबिट साइड में जाना चाहिए कि क्रेडिट साइड में जाना चाहिए, जिससे कि पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बेटा आप एक चीज़ याद रखना, जितनी भी इनकम है, जितनी भी एंट्रीज से ट्रांजैक्शन से पार्टनर को बेनिफिट मिलेगा वो किधर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। और जितने भी पार्टनर के ऊपर चार्जेस लग रहे हैं या पार्टनर का कोई एक्सपेंस है तो वो किस साइड जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। ओके, तो ये मैं इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि क्रेडिट साइड हमेशा हंसता है और डेबिट साइड हमेशा रोता है। ठीक है, तो ये आगे फॉर्मेट में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैलेंस बीडी इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसकी क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है, उसी हिसाब से अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड आ जाएगा, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड आ जाएगा। बाय कैश और बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो बेटा वो भी क्रेडिट साइड आएगा। ओके, नेक्स्ट इज बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल पे यदि उसको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो भी क्रेडिट साइड आ जाएगा क्योंकि वो उसके लिए इनकम हुई। बाय कमीशन अकाउंट, वो भी उसके लिए इनकम है तो इसलिए वो भी क्रेडिट साइड आ जाएगा। बाय पार्टनर सैलरी अकाउंट, क्योंकि ये पार्टनर को सैलरी मिल रही है उसके लिए ये इनकम का सोर्स है तो ये भी क्रेडिट साइड आ जाएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका प्रॉफिट रिजल्ट जो है आउटपुट जो प्रॉफिट आ रहा है तो ईच पार्टनर का जो भी शेयर है वो यहाँ पे आ जाएगा। बेटा मूव ऑन टू डेबिट साइड, टू बैलेंस बीडी इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस, टू कैश और बैंक अकाउंट ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। बेटा ड्रॉइंग जो है वो दो तरीके की होती है, एक होती है ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल और एक होती है ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर कैपिटल में से ड्रॉ करता है पार्टनर तो डेबिट साइड में आ जाता है, और अगर प्रॉफिट में से ड्रॉ करता है कुछ अमाउंट तो वो भी डेबिट साइड में आएगा क्योंकि उसने अपना कैपिटल कम कर दिया ना, और प्रॉफिट के केस में फर्म का प्रॉफिट कम हो गया है। इसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर उसने ड्रॉइंग की है कोई तो उस पर अगर इंटरेस्ट चार्ज का हो रहा है तो वो भी क्रेडिट साइड हो डेबिट साइड आएगा क्योंकि वो उसका एक्सपेंस हुआ ना। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ लॉस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको लॉस मिल रहा है पार्टनर को तो उसका शेयर कहाँ पे? डेबिट साइड आ जाएगा। टू बैलेंस सीडी, इन दोनों अकाउंट का जो भी बैलेंस आ रहा है वो यहाँ पे बैलेंस सीडी आ जाएगा। बैलेंस जो है वो डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैथड ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स अकाउंट। बेटा पार्टनर्स की जो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं उसके मेथड अब हम डिस्कस करेंगे। तो इसके दो मेथड हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड नेक्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फर्स्ट है हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्यों कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट बनता है और करंट अकाउंट। बच्चे कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं। तो बेटा इस बात को आप याद रखना, दिमाग में एक बार बिठा लेना कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ये बात फिक्स्ड है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के लिए ये बात फिक्स है कि इसमें दो अकाउंट बनते हैं, कौन कौन से? कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में
चार चीज़ें आती हैं, चार आइटम आती हैं ओनली, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल जो मैंने ऊपर डिस्कस की थी सबसे पहले, ठीक है। अगर डेबिट बैलेंस है तो भी, क्रेडिट बैलेंस है तो वो भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, अगर पार्टनर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है एडिशनल, तो वो भी कहाँ जाएगी, कैपिटल अकाउंट में जाएगी। ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, जो ड्रॉइंग कर रहा है पार्टनर, वो भी कहाँ जाएगी, कैपिटल अकाउंट में जाएगी। करंट अकाउंट में क्या आएगा बेटा, करंट अकाउंट में आएगा। इन चारों आइटम्स को छोड़कर बाकी सारी ट्रांजैक्शन जो है वो करंट अकाउंट में चली जाएगी, जो मैंने अभी आपसे ऊपर डिस्कस की है ना वो सारी। ओके, अब इसका फॉर्मेट हम डिस्कस कर लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, ऊपर डेबिट, इधर क्रेडिट, वही जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे इधर आएंगे, जितनी भी इनकम है सारी क्रेडिट साइड आएंगी। तो बाय बैलेंस बीडी, फिर बाय कैश और बैंक। एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस कर रहा है, अगर ड्रॉइंग कर रहा है टू कैश और बैंक अकाउंट, अगर ड्रॉइंग कर रहे हैं अगेंस्ट कैपिटल, कैपिटल में से अगर ड्रॉ कर रहा है तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगी, सिर्फ कैपिटल में से अगर ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। टू बैलेंस सीडी, इन दोनों का बैलेंस जो है आ जाएगा। ओके, नाउ पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, इधर बाय बैलेंस बीडी इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है आपको, पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविजन है तो आपको यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि ये उसके लिए इनकम है। बाय कमीशन, कमीशन भी उसके लिए इनकम है तो वो भी क्रेडिट साइड में आ जाएगी पार्टनर्स के। बाय पार्टनर सैलरी, अगर सैलरी मिल रही है तो वो भी इनकम है तो वो भी क्रेडिट साइड में आ जाएगी। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में अगर प्रॉफिट का शेयर है तो वो भी यहाँ पे क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इधर टू बैलेंस पीटी इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा ये आपको, टू ड्रॉइंग अकाउंट अगर ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करंट अकाउंट में आएगा और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल कैपिटल अकाउंट में आएगा। ओके, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, अगर ड्रॉइंग जो की है पार्टनर ने उस पर इंटरेस्ट कोई चार्ज हो रहा है तो वो भी डेबिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेंस है पार्टनर के लिए। टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ लॉस, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से पार्टनर के लिए लॉस आता है तो उसका शेयर यहाँ डेबिट हो जाएगा। टू बैलेंस सीडी, इन दोनों अकाउंट का जो भी बैलेंस आ रहा है वो आ जाएगा। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट मेथड, सेकंड मेथड जो है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ये क्या है बेटा, इसमें सिर्फ एक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें फिक्स्ड में जो ऊपर चार आइटम आई है ना अलग, वो फ्लक्चुएटिंग में सिंगल अकाउंट बनता है, और उसमें वो भी आती हैं और कैपिटल अकाउंट की भी आती हैं। ओके, तो क्रेडिट साइड डेबिट साइड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस बीडी इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, बाय कैश और बैंक अकाउंट। एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस कर रहा है पार्टनर, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है क्योंकि वो उसके लिए इनकम है तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। बाय कमीशन अकाउंट, अगेन इनकम क्रेडिट साइड। बाय पार्टनर सैलरी, सैलरी इज ऑल्सो आइटम ऑफ इनकम सो इट विल ऑल्सो कम इन क्रेडिट साइड। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से अगर प्रॉफिट आता है तो उसका शेयर यहाँ क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। टू बैलेंस बी डी इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस, डेबिट साइड में सबसे पहले यदि क्वेश्चन में आपको जो जो बैलेंस दिया है वो डेबिट दिया है पार्टनर का, वो क्वेश्चन में गिवन होता है तो वो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट साइड में। टू कैश और बैंक अकाउंट, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट भी यहीं पे आ जाएगा। ओके, फिक्स्ड में क्या था कि ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल कैपिटल अकाउंट में गया था और ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कहाँ गया था, करंट अकाउंट में, लेकिन यहाँ पर दोनों तरीके की जो ड्रॉइंग्स हैं वो कैपिटल में आ जाएंगी। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग कर रहा है तो इंटरेस्ट अगर चार्ज हो रहा है उसके ऊपर तो क्या हो जाएगा बेटा, वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा क्योंकि उसके लिए वो एक्सपेंस है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से लॉस आ रहा है बेटा तो वो कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में। टू बैलेंस सीडी, दोनों अकाउंट का दोनों साइड का जो भी बैलेंस निकल के आता है वो यहाँ पे आ जाएगा।
बैलेंस डेबिट भी आ सकता है, क्रेडिट भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो ये मेरी वीडियो थी, ये इसका पार्टनरशिप फर्म का 5th पार्ट था। तो बेटा आप मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।